फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की चटनी। इसके लिए हमें चाहिए मूंगफली, दही, नमक, थोड़ा सा ऑयल, करी लीव्स, राई, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन। मूंगफली की चटनी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, गैस पे एक पैन चढ़ाना है, उसमें हम अपना मूंगफली डालेंगे, थोड़ा सा इसे हम रोस्ट करेंगे। हमारा मूंगफली रोस्ट हो रहा है और जब ये चटकने लगे, समझिए मूंगफली रोस्ट हो रहे हैं। अब इसे हम गैस से उतार लेंगे। थोड़ा ठंडा होने देंगे। मूंगफली हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हमने मसल मसल के इसका छिलका अलग कर लेना है, पूरी तरह से। जब ये छिलके अलग हो जाएंगे फिर हम इसे साफ कर लेंगे। ये देखिए, हमने यूं यूं करके इसका छिलका निकाल लिया है। अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे। थोड़ा सा नमक, दही लगभग 3 से 4 चम्मच, लहसुन 4 कलियां, 1 हरी मिर्च। अब हमें इसे पीसना है। आप देख सकते हैं बहुत गाढ़ी, अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है तो हम इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। हमें इसे पीसना है और मूंगफली की चटनी बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं पीसेंगे, हल्का सा बस ग्राइंड करके रख देंगे। और हमारा मूंगफली का चटनी लगभग तैयार हो गया है। इसे हम एक बाउल में खाली करेंगे। अब इसमें हमें तड़का लगाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, अब हम चटनी में तड़का लगाने के लिए गैस ऑन करेंगे। डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जीरा, हरी मिर्च जिसे हमने बीच से चीरा लगा लिया है, राई, थोड़ा सा करी पत्ता।
से करती हूँ मैं। ये देखिए हमारा मूंगफली का चटनी बनके तैयार हो गया। अब आप इसे ढोकला, इडली, डोसा किसी भी स्नैक के साथ आप ले सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। थैंक यू फ्रेंड्स।